तो अब हम स्टोन एज के बाद अभी इंडस वैली सिविलाइजेशन पढ़ेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हम इंडस वैली सिविलाइजेशन क्या है। स्टार्ट करने से पहले अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगे तो आखिर में जरूर सब्सक्राइब एंड लाइक कर दीजिएगा, हो सके तो शेयर भी कीजिएगा। चलिए स्टार्ट करते हैं इंडस वैली सिविलाइजेशन। इंडस वैली सिविलाइजेशन को बेसिकली हम हड़प्पा सिविलाइजेशन भी बोलते हैं, और ये मैप में आप देख सकते हो कि ये कहाँ पे था, ये इंडस रिवर के अराउंड था, इसलिए हमने इंडस वैली सिविलाइजेशन से बोलते हैं। आप मैप में आपको दिख रहा होगा हड़प्पा, मोहनजोदारो और गुजरात के साइड देखिएगा, वहाँ पे लोथल भी दिख रहा होगा। तो ये कुछ सिविलाइजेशन थी जो इंडिया के अराउंड बसी थी। चलिए स्टार्ट करते हैं इंडस वैली सिविलाइजेशन। इंडस वैली सिविलाइजेशन फोर्थ नंबर की सिविलाइजेशन थी। इससे पहले मेसोपोटामियन सिविलाइजेशन, जिसे सुमेरियन सिविलाइजेशन भी बोलते हैं, वो थी। उसके बाद इजिप्शियन सिविलाइजेशन थी, फिर चाइनीज सिविलाइजेशन, उसके बाद आता है हमारा इंडस वैली सिविलाइजेशन। बट एरिया में देखें तो सबसे बड़ा इंडस वैली सिविलाइजेशन का एरिया था। यहाँ पे देखिए वर्ल्ड मैप में मैंने कुछ चारों सिविलाइजेशन को मेंशन किया है। जो ब्लैक कलर से मैंने किया है वो समझ लीजिए इजिप्शियन सिविलाइजेशन है, येलो कलर से है जो वो मेसोपोटामियन सिविलाइजेशन है, और जो ब्लू कलर से मैंने स्क्रैच किया है वो चाइनीज सिविलाइजेशन है, और जो रेड कलर से मैंने दिखाया वो इंडस वैली सिविलाइजेशन है इंडस रिवर के पास। अब यहाँ पर देखते हैं इंडस वैली सिविलाइजेशन बेसिकली में ब्रॉन्ज एज से बिलोंग करता था, इसलिए हम इसे ब्रॉन्ज एज सिविलाइजेशन भी बोलते हैं। इंडस वैली सिविलाइजेशन वेस्ट में स्टार्ट होता है सुटका जेंडोर जो बलूचिस्तान में, वहाँ से अलमगीरपुर जो उत्तर प्रदेश में वहाँ तक जाता था, और यहाँ पे महाराष्ट्र दायमाबाद था, महाराष्ट्र में एक दायमाबाद प्लेस है, वहाँ से लेके आपको मंदा जो जम्मू कश्मीर में एक जगह है वहाँ तक पूरा फैला हुआ था इंडस वैली सिविलाइजेशन। अब यहाँ पे मैं आपको दिखा देता हूँ, मैंने जो बोला यहाँ पे पाकिस्तान के पास एक बलूचिस्तान, ये जो है ना पाकिस्तान, यहाँ एक जगह है, यहाँ से लेके आपको उत्तर प्रदेश तक, ये जो उत्तर प्रदेश देख रहे हैं आप यहाँ तक फैला था, और ऊपर देखिए जम्मू कश्मीर से लेके नीचे महाराष्ट्र तक इंडस वैली सिविलाइजेशन, ये आप महाराष्ट्र देख रहे हो यहाँ तक फैला था इंडस वैली सिविलाइजेशन, तो आप मैप में भी देख सकते हैं, ठीक है। अब चलिए स्टार्ट करते हैं और आगे देखिए जो इंडस वैली सिविलाइजेशन था बेसिकली इसमें जो फार्मर थे और जो व्यापारी थे जो मर्चेंट थे उनका पूरा डोमिनेशन था, वही मैक्सिमम चलाते थे सिविलाइजेशन को जो रूल करते थे, और इसलिए इसको एग्रो कमर्शियल सिविलाइजेशन भी बोलता था बोला किया जाता था, क्योंकि उस टाइम बेसिकली जो पीशेंट और मर्चेंट का इस पर डोमिनेशन था। और इसे हड़प्पा सिविलाइजेशन भी बोला जाता था, क्योंकि हड़प्पा एक पहला साइट है जो एक्सकेवेशन हुआ था 1921 में, और इसे एक्सकेवेशन किसके सुपरविजन में हुआ था, दयाराम सायनी। एकदम याद रखिएगा कि हड़प्पा 1921 में इसका एक्सकेवेशन हुआ था और अंडर द सुपरविजन ऑफ दयाराम सायनी, एकदम याद रखिएगा। और हड़प्पा पहला साइट है इसलिए उसको इंडस वैली सिविलाइजेशन को हड़प्पा सिविलाइजेशन भी बोलते हैं। चलिए आगे कुछ पॉइंट जान लेते हैं। यहाँ पे देखिए ये एक्सकेवेशंस है, ऐसे एक्सकेवेशंस होते हैं, कैसे देखिए आपको इन लोग कैसे करें एक्सकेवेशन, कुछ मैंने फोटो डाले आप देख सकते हैं कैसे एक्सकेवेशन हो रहे हैं। ऐसे ही हड़प्पा सिविलाइजेशन का भी एक्सकेवेशन हुआ था अंडर सुपरविजन ऑफ दयाराम सायनी 1921 में, तो आप देख सकते हैं। चलिए अब हम जानते हैं इंडस वैली सिविलाइजेशन जो था अराउंड 25 से लेके 1750 बीसी के अराउंड था, और ये कहाँ से पता चलता है, ये रेडियो कार्बन डेटिंग के हिसाब से पता चलता है कि इंडस वैली सिविलाइजेशन 2500 लेके 1750 बीसी के अराउंड था। अब यहाँ पे जो इंडस वैली सिविलाइजेशन था ना फ्रेंड्स, मैं आपको एक बात बताऊँ, उस टाइम भी इंडस वैली सिविलाइजेशन में जो लोग रहते वो बहुत सिविलाइज थे, उन लोगों ने टाउन प्लानिंग करके रखी थी, मतलब उन लोगों ने सिटेडल बनाया था। सिटेडल मतलब रूलिंग क्लास, जो मर्चेंट और पीसेंट थे ना वो रूलिंग क्लास सिटेडल में रहते थे, और लोअर टाउन थे जो कॉमन पीपल थे एकदम वो लोअर टाउन में रहते थे, और जो सिटेडल था ना वो फोर्टिफाइड था, सिटेडल को पूरा घेरा हुआ था, ठीक है फ्रेंड्स। तो ये डिफरेंस था उस टाइम भी, अमीरी और गरीबी के अंदर डिफरेंस थी। देखिए यहाँ पे आपको दिख रहा होगा जो ये ऊपर घेरा हुआ ना, ये ऊपर ये सिटेडल है अपर टाउन, और ये जो नीचे है ये देखिए, ये जो नीचे है ये तो आपका लोअर टाउन है जहाँ पे नॉर्मल पीपल रहते थे, यहाँ पे आपको जो पीजेंट और मर्चेंट थे वो अमीर लोग रहते थे उस टाउन के। चलिए आगे देख लेते हैं। यहाँ पे देखिए धोलावीरा एक ऐसा सिविलाइजेशन है जहाँ पे सिटी तीन भागों में बटा था। अभी तो हमने पढ़ा था हड़प्पा सिविलाइजेशन में जो लोअर टाउन और अपर टाउन, अपर टाउन को सिटेडल बोलते थे जो पूरा फोर्टिफाइड घिरा होता था, बट धोलावीरा में तीन पार्ट में डिवाइड हुआ था। और छानुदारो था, छानुदारो एक सिविलाइजेशन है, वो बेसिकली छानुदारो एक साइट है जहाँ पे सिटेडल नहीं था, मतलब कोई अपर टाउन नहीं था। अब देखिए जो वहाँ पे टाउन प्लानिंग था ना, टाउन प्लानिंग बेसिकली ग्रिड सिस्टम पे बेस था, मैं आपको दिखाऊंगा कैसे ग्रिड सिस्टम बनाया था इन लोगों ने। बेसिकली में पूरा टाउन को एली गली बना दी थी, रोड बहुत अच्छे बनाए थे इन्हें, ब्रंट ब्रिक्स यूज़ किया था, जले हुए पत्थर, मतलब उस टाइम पर पक्का मकान होता था ये ध्यान रखिएगा, ठीक है। और इनने बहुत अच्छा ड्रेनेज सिस्टम बनाया था उस टाइम में, इतना अच्छा ड्रेनेज सिस्टम बनाया था, और पूरा जो अपर टाउन था जिसे सिटेडल बोलते थे उसको पूरा फोर्टिफाइड कर दिया था, पूरा घेर दिया था। यहाँ पे देखिए ये ड्रेनेज सिस्टम है, मैंने आपको दिखाया, ये देखिए कैसे ड्रेनेज सिस्टम है, ये हड़प्पा सिविलाइजेशन का ड्रेनेज सिस्टम है, आप देख सकते हैं ये देखिए ड्रेनेज सिस्टम है,
कैसे तब भी उन लोग इतने ज़्यादा सिविलाइज थे कि ये सब ध्यान रखते थे। आज तो हम अपने इंडिया में पूरा कीचड़ उचड़ कर देते। यहाँ पे देखिए ये लोग कुछ क्रॉप्स भी लगाते थे, बीट रूट लगाते थे। और यहाँ पे देखिए जो ये एनिमल जो हड़प्पा सिविलाइजेशन पाल के रखते थे, ऑक्स सीप हो गया, बफेलो हो गया, गोट हो गया, पिक हो गया, एलिफेंट डॉग कैट और कैमल। बट यहाँ पे हड़प्पा सिविलाइजेशन को काऊ और लायन का कोई एविडेंस यहाँ पे नहीं मिलता, तो इसलिए हम समझते हैं कि काऊ और लायन को इनके बारे में नहीं पता था। ये हम समझते हैं क्योंकि अभी तक काऊ और लायन का कोई एविडेंस नहीं मिला है। और यहाँ पे आप देख सकते हैं कि जो मोस्ट इंपॉर्टेंट इस टाइम का एनिमल था वो कौन थे, हम्पलेस वुल, जिसे यूनिकॉर्न भी बोलते थे। यूनिकॉर्न और हम्पलेस वुल जो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट एनिमल थे। और यहाँ पे बार्टर सिस्टम चलता था, कोई पैसे का नहीं था, एक वस्तु से दूसरी वस्तु खरीदा जाता। बार्टर सिस्टम बेसिकली में मतलब आपको मैंने कॉपी दिया तो आप मुझे पेन दे के खरीदेंगे, तो जैसा जिसका रेट है उसके हिसाब से मैनेज किया जाता था। ये बार्टर सिस्टम होता है। बार्टर सिस्टम में कोई करेंसी नहीं यूज़ होती, करेंसी सामान ही होता है। यहाँ पे देखिए 15 पॉइंट में हम ये जानते हैं कि इन लोग ने वेट का, जो वेट मेजरिंग है ना, उसको भी एक स्टैंडर्ड बनाया था। ठीक है, जो सिविलाइजेशन हड़प्पा सिविलाइजेशन के लोग थे उन लोगों ने वेजिंग और मेजरमेंट के लिए एक सिस्टम बनाया था जो मल्टीपल ऑफ 16 था। ठीक है, यहाँ पे बहुत सारी डेड बॉडी जली हुई मिली। ठीक है, हड़प्पा सिविलाइजेशन में दबी हुई, जैसे मैंने आपको दिखाया था कैसे एक्सकवेशन कर रहे थे। और देखिए हड़प्पा सिविलाइजेशन में बहुत सारे सील्स मिले थे। ठीक है, और 6 ग्रेनरीज भी मिली थी इस सिविलाइजेशन में। तो बहुत बार एग्जाम में पूछता है कि ग्रेनरीज क्या क्या मिला था, तो सील्स, ग्रेनरीज, वर्जिन गॉड्स मिल रहे थे, और नटराज का यहाँ पे जो डांसिंग नटराज थी उसका भी यहाँ पे मूर्ति मिला था। अब देखिए जो इंडस वैली सिविलाइजेशन था इसमें जो राइटिंग थी, जो स्क्रिप्ट यूज़ करते थे वो बोस्ट्रोफेडोन करते थे। ठीक है, अब बोस्ट्रोफेडोन क्या है ये मैं बता देता हूँ। बोस्ट्रोफेडोन उस स्क्रिप्ट को बोलते हैं जो शुरू की जो लाइन होती है, बेसिकली में शुरू की जो फर्स्ट लाइन होती है वो लेफ्ट टू राइट लिखी जाती है। ठीक है, सॉरी, फर्स्ट लाइन होती है वो राइट टू लेफ्ट लिखी जाती है, और जो सेकेंड लाइन होती है वो लेफ्ट टू राइट लिखी जाती है, ये ध्यान रखिएगा। ठीक है, फर्स्ट लाइन जो इस स्क्रिप्ट में होती है वो राइट टू लेफ्ट लिखी जाती है, और जो सेकेंड लाइन होती है वो लेफ्ट टू राइट, इसे बोलते, इस स्टाइल को बोलते लिखने को बोस्ट्रोफेडोन। ठीक है, अब हम यहाँ पर जान लेते हैं कि उस टाइम में एक जो सिंबल मिला था वो स्वास्तिका, स्वास्तिका इंडस वैली सिविलाइजेशन में एक सिंबल ट्रेस किए हैं अभी जो एक्सकेवेशन हुए थे। ठीक है, और यहाँ पे जो इन लोग वॉरशिप तो नहीं बोलेंगे, बट इन लोग बिलीव करते थे, कुछ गॉड की वॉरशिप तो नहीं बोलूँगा, बट कुछ गॉड में बिलीव करते थे। मदर गॉडेस जो थी, मातृ देवी और शक्ति का वहाँ पे आपको स्ट्रक्चर मिला है, मूर्ति मिला है। ठीक है, और फीमेल सेक्स ऑर्गन का था, जिनके उसके एम्ब्रियो से एक कुछ पेड़ निकलता हुआ दिखा रहा था, मतलब पूरा संसार, पूरी वर्ल्ड एक मतलब माता से बनी हुई है, ये वहाँ पे सिंबलाइज कर रहा था। यहाँ पे मैं आपको दिखा रहा हूँ, ये देखिए स्वास्तिका, ये जो सिंबल है ना, ये स्वास्तिका सिंबल है जो इंडस वैली सिविलाइजेशन में मिला था। यहाँ पे देखिए ये पशुपति है, पशुपति के पास जो दो बुल है ये गॉड है, और वो गॉडेस थी, गॉडेस का पूजा करते थे और गॉड का भी, इसलिए वो वॉरशिप नहीं, बिलीव, इनको माना जाता था। ये देखिए पशुपति की कैसे मूर्ति दिखी है, यहाँ पे देख सकते हैं जानवर अगल बगल हुआ करते थे। देखिए जो मैंने बताया ऑलरेडी, जो चीफ गॉड थे वहाँ पे पशुपति थे, जिसे महादेवा बोलते थे, और यहाँ पे प्रोटो शिवा, बहुत सारे वो एनिमल से सराउंडेड थे। ठीक है, और उस टाइम जो वॉरशिप होती थी वो बहुत सारे आप देखेंगे जो स्ट्रक्चर्स पे, बहुत सारे पत्थरों पे लिंगम्स और योनि के फिगर्स भी बने हैं। ठीक है, तो आप वो भी देख सकते हैं। और यहाँ पे देखिए ये बहुत, ये जो ऑक्यूपेशनली बहुत सिविलाइज थे, ये प्रैक्टिस करते, स्पिनिंग, वेविंग भी प्रैक्टिस करते थे। यहाँ पे लोहार भी थी, पोटरी बनती थी, सील मेकिंग होता था। अब यहाँ पे कुछ मैं साइट दिखा देता हूँ इंडस वैली सिविलाइजेशन में, बहुत सारी सिविलाइजेशन आप देख सकते हो। यहाँ पे कौन सी रिवर के पास भी है, आप बलूचिस्तान देखो, वहाँ पे ब्लू कलर का यहाँ से मेंशन है बलूचिस्तान। ठीक है, यहाँ पे इंडस ये रिवर देखिए, इंडस रिवर जा रहा है, मोहनजोदारो यहाँ पे है। ठीक है, तो यहाँ पे आप देख सकते हो, मैंने घाघरा दिखाया, सब अच्छे से दिखाया। आप एक बार इस मैप को अच्छे से देखिएगा थोड़ा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते देखिए। अब इंडस वैली सिविलाइजेशन मतलब हड़प्पा सिविलाइजेशन का तो हमने बहुत कुछ जान लिया, और भी बाकी जो साइट थे उनके बारे में भी जान लेते हैं। मोहनजोदारो, मोहनजोदारो मतलब माउंट ऑफ डेथ बोला जाता था, इसको आरडी बनर्जी ने 1922 में एक्सकेवेटेड किया था, इसको पूरा वहाँ पे खोदा था, इनके सुपरविजन में खोदा था। ठीक है, और जो यहाँ पे सबसे बड़ा ग्रेट बाथ और ग्रेट ग्रेनरीज, ठीक है, जो अगर एग्जाम में पूछे कि ग्रेट बाथ और ग्रेट ग्रेनरीज कहाँ थी, तो आप बोलोगे मोहनजोदारो में मिली थी। ठीक है, और यहाँ पे बेसिकली में जो मोहनजोदारो कहाँ था, ये इंडस रिवर के पास था, और ये पाकिस्तान में अभी फ़िलहाल मोहनजोदारो, और हड़प्पा भी पाकिस्तान में फ़िलहाल पड़ता है। यहाँ पे पशुपति महादेवा का सील मिला था। ठीक है, आप देख सकते हैं।
अब इसके बाद आप देखिए छानूदारो जो, अब छानूदारो भी पाकिस्तान में पड़ता है सिंध रिवर के पास, और इसको जो एक्सकेवेट किया था ये एन जी मजुमदार ने किया था 1931 में। ये कहाँ पे सिचुएटेड है, ये इंडस रिवर के पास ही सिचुएटेड है, रिवर इंडस इन सिंध पाकिस्तान में ये, ठीक है, बैंक ऑफ इंडस रिवर इन सिंध में है, ठीक है, पाकिस्तान में। और यहाँ पे ओनली एक साइट है जिसका कोई सिटेडल नहीं था, ठीक है, मतलब कोई अपर टाउन नहीं था, छानूदारों में कोई अपर टाउन नहीं था, ठीक है, जैसे हड़प्पा में वो अपर टाउन लोअर टाउन था। फिर लोथल आता है, लोथल अभी गुजरात में है, और इसको जो एक्सकवेट किया था वो एस आर रॉय ने किया था 1954 में, और ये भार्गवा रिवर, भार्गवा रिवर के बैंक पे, मतलब जो बैंक समझते हैं जो रिवर से थोड़ा आगे जो लैंड होती है, रिवर के आगे जो लैंड होती है उसे बैंक बोलते हैं, उसी रिवर के अराउंड ये लोथल था। और यहाँ पे सिटी में बेसिकली सिटेडल और लोअर टाउन और अपर टाउन में ये डिवाइड है लोथेदल, ठीक है, लोथल अपर टाउन और लोअर टाउन और सिटेडल में डिवाइड है। यहाँ पे डोकयार्ड भी मिला था, ठीक है, यहाँ पे राइस, राइस हस्क भी मिला था, मतलब जो राइस होता है ना राइस उसके हस्क होते हैं या ब्राउन ब्राउन कलर के होते हैं, मैं आपको बता रहा हूँ, ठीक है। और यहाँ पे देखिए कालीबंगन, कालीबंगन बेसिकली में अभी ब्लैक बेंगल्स भी यहाँ पे बनते थे, ये राजस्थान में पड़ता है, इसको एक्सकेवेटेड किया था बीबी लाल ने 1961 में, और ये रिवर घाघर, घाघर रिवर के पास सिचुएटेड है। यहाँ पे जो मिला था क्या क्या मिला था, प्लाउज फील्ड मिला था, वुडन फ्लोर मिला था, 7 फायर अल्टर्स मिले थे, बोन्स ऑफ कैमल, कैमल्स के बोन्स मिले थे, ठीक है, यहाँ पे ये सब मिले थे। तो ये सब आप ध्यान दीजिए, एग्जाम में पूछता है कि क्या क्या मिला था, ठीक है। धोलोवीरा, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये धोलोवीरा को एक्सकेवेटेड किया था जेपी जोशी ने 1967 से 1968 में। ये बेसिकली में कहाँ पे, कच्छ, ठीक है, ये रिवर लूनी और कच्छी डिस्ट्रिक्ट में, गुजरात में, और यहाँ पे यूनिक वाटर सिस्टम मैनेजमेंट था, ठीक है, मतलब यहाँ पे वाटर सिस्टम मैनेजमेंट भी था, रिवर्सियर था, ठीक है, जहाँ पे रिजर्वियर था, ठीक है, जहाँ पे रिजर्व करके वाटर रख सकते हैं। तो ये सब बहुत अच्छा वेल सिस्टम था धोलोवीरा में, और वाटर मैनेजमेंट का पूरा सिस्टम धोलोवीरा में था, तो ये आप ध्यान रखिएगा। अब देखो सुरकोटाडा आता है, सुरकोटाडा गुजरात में, इसको जेपी जोशी ने एक्सकेवेट किया था 1972 में। ये बेसिकली में साबरमती और भार्गवी रिवर के पास है, और यहाँ पे हॉर्स, जो हॉर्स होते हैं ना हॉर्स, उनके उनके जले हुए मिले थे, हॉर्स जले हुए मिले थे, और उनके बोन्स भी मिले थे। अब बनवाली, बनवाली हरियाणा में पड़ता है, इसे आर एस बिस्ती ने 1973 में इसको एक्सकवेट किया था। ये सरस्वती रिवर, सरस्वती रिवर के पास है, सरस्वती रिवर के बैंक के पास है, इसमें आपको मिलेगा आपका ये बेसिकली में यहाँ पे कल्चर बर्ली, बर्ली मतलब जो क्रॉप है वो बर्ली के मिलेगा कुछ एविडेंस, और गुड क्वालिटी ऑफ बर्ली के एविडेंस मिलेंगे, ठीक है। और यहाँ पे जो हड़प्पा का एविडेंस है ना, हड़प्पा वो लगभग यहाँ पे 6 ग्रेनरीज हैं, लिंगम योनी के सील्स भी मिलेंगे आपको, ठीक है।